हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपकी क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप रोटेशन का पार्ट 4 पढ़ा रहा हूँ। मैं सर जेबी वर्मा, और आप ध्यान से सुने। आज मैं आपको बताऊंगा मेन टॉपिक पर मैनर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ग्राइंड। इसके साथ साथ सोयल में जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए या मेंटेन किया जाए, वो कम ना हो, और साथ साथ उसके लिए दोनों मैनर्स ऑफ फर्टिलाइजमेंट लॉस या प्रॉफिट भी इसी डिफरेंस के अंदर डाल दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझें इसे। नाउ मैनर्स क्या हैं? वे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही हैं जो प्लांट्स, एनिमल वेस्ट और सब्जियों के छिलके वगैरह, इन सबको कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है डायरेक्ट, और उसके बाद वो एक गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। कल मैंने आपको समझाया था, गड्ढे में डाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एक लेयर मिट्टी डाल दी जाती है, फिर ऊपर से फिर कचरा डाल दिया जाता है। ये सब एनिमल वेस्ट, काउडंग जैसे गोबर वगैरह सबको डालते रहते हैं, और फिर से मिट्टी की लेयर डालते हैं। इस तरह कंटिन्यू उसको बार बार दबाते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक लॉन्ग पीरियड में वो माइक्रोब द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, और उसमें जो है नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है नए नए कंपाउंड्स में, और वो जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट फूड बन जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि मैनर इज आर नेचुरल सब्सटेंस ओटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट पार्ट्स। ये सभी कूड़े कचरे के रूप में गड्ढे में डालकर बनाया जाता है। फर्टिलाइजिंग एंड इनऑर्गेनिक साल्ट, और ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। मैनर मे बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, पिट्स, या तो गड्ढों में या खेतों में, कहीं भी ये बनाए जा सकते हैं। जबकि फर्टिलाइज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैनर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से सड़ा कर गला कर बनता है, तो उनकी सारी जितना भी मांस है, जितना भी जो पदार्थ है, उसमें कुछ बचा रह जाता है उनके इनऑर्गेनिक को बदलने पर भी, सड़ने गलने के बाद भी। तो ये मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा प्रदान करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, और फर्टिलाइजर से कोई भी ह्यूमस मिट्टी में नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट, मैनर इज लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैनर की, क्योंकि गल सड़के बनते हैं, जितनी चीज़ें उसमें थी उन्हीं में से नए इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं गल सड़के। तो ऐसे केसेस में इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स को फायदा देता है, क्योंकि ये ह्यूमस प्रदान करते हैं, और ह्यूमस के बेनिफिट्स मैं अभी बताऊंगा इस टॉपिक के लास्ट में। आगे क्या होता है, फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, और फर्टिलाइजर लैब फैक्ट्री बनते हैं, और ये देखकर बनते हैं कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है। जब आपको ये पता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ प्लांट्स को देनी है, जैसे कि मोस्टली बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, मैंने कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग होने के लिए पोटेशियम और फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है फैक्ट्री में बनाते समय स्पेशल तरीके से एक्स्ट्रा क्वान्टिटी में रिच किया जाता है, इनको ज़्यादा बनाया जाता है, मात्रा मिला कर तैयार किए जाते हैं, जिससे उनको ज़्यादा मात्रा भी मिल सकें, प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए। अब आगे बात यहाँ पर, दे इंक्रीज, दे मीन्स यहाँ पर मैनर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब मिट्टी में मिक्स होते हैं तो इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और क्वांटिटी बढ़ने से मिट्टी के पार्टिकल्स को पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ा देते हैं, और इसमें पार्टिकल्स के बीच बीच में स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि ये ह्यूमस जो है, या जो मैटर ऑर्गेनिक जो मैटर था उसका, ये जो है ऑर्गेनिक मैटर जगह जगह घेर कर करके उस जगह को जब घेर लेता है, तो वहाँ पर पानी रखने की, होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी एक फर्टिलाइजर नहीं करते, दे डू नॉट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फर्टिलाइजर, ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो खुद ही पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, और उनके पानी
जाएगा, पानी में जो लोग पता भी नहीं चलते वो खुद ही पूरे पूरे मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। एक्सेस यूज ऑफ मैनर डू नॉट हार्म द क्वालिटी ऑफ सॉइल। अगर किसी भी खेत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मैनर डाल दें तो भी वहाँ पर उस सॉइल में कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा, ह्यूमस बढ़ जाएगी, कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएंगे और उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी, तो इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अगर फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज करते हैं तो उनमें स्पेशल टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सपोज करो कि नाइट्रोजन है या मान लो फॉस्फोरस है या पोटेशियम है, वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रोजन वो फॉस्फोरस ये क्या है, साल्ट बनाते हैं, साल्ट होते हैं, इसलिए साल्टेशन मिट्टी में बढ़ जाएगी और साल्ट ज़्यादा बढ़ने से, एक स्पेशल टाइप के साल्ट बढ़ने से सॉइल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगी, उसके अंदर जो नेचर है सॉइल की वो बदल जाएगी और वो मिट्टी की क्वालिटी को खराब कर देती है। अच्छा यहाँ पर एक बात और बता दें कि मेहनत अगर फील्ड में डालेंगे तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से गल सड़के खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन अगर मैं फर्टिलाइजर ज़्यादा डाले गए हैं, अगर ये फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दिए गए हैं तो, और लैब करोगे अपने फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दिए तो ऊपर से बारिश होगी, तो बारिश के पानी खुल करके भी बह के चले जाते हैं, और बारिश के पानी बह के चले गए तो लॉस हो गया कि इतने न्यूट्रिशन बाहर चले गए। दूसरा ये होगा जो पानी बह के जा रहा है उसमें जो आपके इनऑर्गेनिक साल्ट थे फर्टिलाइजर, ये पानी के अंदर क्वालिटी पानी की खराब करेंगे और जाकर के जहाँ पर पानी स्टोर होगा बोन्स वगैरह में वहाँ के माइक्रो को भी हानि पहुँचाते हैं, उनको भी लॉस पहुँचाते हैं, मे बी वो सर्वाइव कर पाए या नहीं कर पाए, ऐसे कंडीशन भी क्रिएट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो रही आपकी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की दिक्कत, तो अब आते हैं फसल उगाते रहते हैं तो देखिए कोई भी फसल है वो पार्टिकुलर कोई भी मतलब वो न्यूट्रिएंट्स लेती है, तो उस तरह के न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में कम हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम अगली फसल जो उगाई जाए वो ऐसी उगाई जाए कि उसमें जो न्यूट्रिशन की जरूरत हो पहली वाली से अलग हो। इसके लिए क्या करते हैं कि हम फसलें एक बार गेहूँ बोते हैं तो उसके बाद हम बाजरा बोते हैं, तो उसके बाद फिर से गेहूँ बो देते हैं, मान के चलो फिर अगले बार फिर बाजरा बो देते हैं, तो हर साल वही न्यूट्रिएंट्स कम होते चले जाएंगे। ऐसे केस में बचने के लिए क्या होता है कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊपन या सॉइल को रिच बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नियम फॉलो कर लेते हैं, यहाँ पर दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला मेथड हम लेते हैं फैलोइंग। क्या होता है फैलोइंग? इन दिस मेथड द एग्रीकल्चर लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। इस मेथड में जो जमीन है अनकल्टिवेटेड छोड़ दी जाती है, मतलब वहाँ पर कोई भी फसल बोई नहीं जाती है, और इसके बाद क्या होगा अनकल्टिवेटेड होगी तो वहाँ पर एक या दो सीजन के बाद में देखते हैं सीजन के अंदर ही ग्रास और अदर वीड्स ग्रो कर जाते हैं, माइक्रोब भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि खाली पड़े तो माइक्रोब भी रहने लगते हैं। फिर क्या होता है जब ये माइक्रोब्स वगैरह बढ़ जाते हैं तो इसके बाद हल चलाया जाता है फ्लोइंग कर देते हैं, तो ये सारे उसी में दब कट जाते हैं, मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, एटलीस्ट डिकम्पोज होने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, तो वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए अच्छे बढ़ जाते हैं, उसके बाद जो क्रॉप ग्रो करेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉप होती है, क्योंकि अच्छे ज़्यादा क्वान्टिटी न्यूट्रिशन उनको मिल जाते हैं। सेकेंड मेथड है क्रॉप रोटेशन का अप्लाई करेंगे तो भी उसमें न्यूट्रिशन बने रहते हैं। कैसे कि एक क्रॉप मैंने अभी बताया कि एक तरह का क्रॉप है, जैसे पहली बार मान के चलो मैंने रबी की क्रॉप में बोई थी और उसमें गेहूँ बो दी, गेहूँ ने मान के चलो कि 1 2 3 ये तीन तरह के न्यूट्रिशन लिए थे, 1 2 3 1 2 3 ठीक है, ये तीन तरह के न्यूट्रिशन ले दिए, बच के मान लो दो तरह के ये और दो तरह के न्यूट्रिशन उसने नहीं दिए। नेक्स्ट क्रॉप में मैंने क्या किया, ये तीन तरह के तो कम हो गए और ये दो ज़्यादा रह गए, नेक्स्ट क्रॉप में इनको चाहने वाली थी जिनकी जरूरत इन दो न्यूट्रिएंट्स की है, वैसी क्रॉप बाजरा बो दिया मान लिया, तो उस केस में क्या होगा कि बाजरा इनको ज़्यादा लेगा और इनको कम लेगा, कम मात्रा में यूज करेगा, तो सॉइल लगभग बराबर फर्टिलिटी में बनी रहेगी। दूसरी बात, अब जो पहली फसल ले ये न्यूट्रिशन तो लिए लेकिन उसकी जड़ें बच गई जमीन के अंदर, कुछ पार्ट्स गिर गए प्लांट्स के, वो सब गलेंगे सड़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाएंगे तो वो भी अगली फसल के लिए न्यूट्रिशन का काम कर जाते हैं।
अब क्रॉप रोटेशन होता क्या है, द पैटर्न ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। द पैटर्न ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग तरह की फसलों को एक पैटर्न है, एक क्रम से अल्टरनेट बदल बदल करके बोना एक ही फील्ड पर, क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप्स लाइक जंप करते पहले साल वीट और बारले हमने पहले साल बो दिया, उसी सीजन में अगले बार हमने क्या किया, बजाय वीट और बारले होने के अगले साल हमने लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पल्से सोयाबीन, इनको बोलते हैं लेग्यूमिनस, यानी जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं और गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन एटमोसफेयर से लेता है, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बनाता है और कंपाउंड बनाया जाता है जड़ों में ही, नाइट्रोजन के कंपाउंड बनने से उस प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन वाले फूड मिल जाता है और ग्रोथ अच्छी होती है। इन दिस क्रॉप रोटेशन वन क्रॉप कंज्यूम ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट अनदर क्रॉप कंज्यूम द अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने अभी बताया था एक क्रॉप एक तरह का है तो दूसरी क्रॉप दूसरी तरह के न्यूट्रिएंट्स को लेती है। दस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, अब जो बच जाते हैं पार्ट्स, जड़ें बच जाती हैं, अदर पार्ट्स गिर जाते हैं मिट्टी में, वे ऑर्गेनिक पार्ट फूड गल सड़ करके नया न्यूट्रिएंट्स पैदा कर देते हैं। अब राइजिंग जो मैंने बताया था बैक्टीरिया जो रहता है तो वो क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया लाइज इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो जो दाल वाले फसलें हैं चना मटर अरहर, इनकी जड़ों में जो राइजोबियम रहता है, दिस बैक्टीरिया टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफियर, एयर एटमोसफियर में से नाइट्रोजन को लेता है एंड कन्वर्ट इट नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, और ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में बदल देता है। These nitrogenous substances are good food for plants. और जो फसल बोने वाले उसके लिए अच्छे फूड होते हैं। So the next crop after the leguminous crop grows well. और बहुत अच्छी उगती है अगली बार फसल जो हम लेग्यूम वाली के बाद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस साल हमने मटर सरसों अरहर बोई थी तो उसके बाद अगली बार उसी फील्ड पर अगर हम गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। इरिगेशन सिंचाई, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, किसी एग्रीकल्चर लैंड पर जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में एक डिफरेंट इंटरवल्स के जब जब जरूरत हो उस पर वाटर सप्लाई करना, प्लांट को जरूरत के हिसाब से जब जब जरूरत हो तब तक वाटर सप्लाई करना, यह कहलाता है इरिगेशन। अब इरिगेशन के मेथड्स, इरिगेशन के सोर्सेज और तरीके, वो सब चीज़ें मैं आगे अगले बार पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों आज बहुत ध्यान से इसे याद करें, थैंक यू।